जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बता दें, इसमें एजीएस ब्रांच का एक लेटर है, उससे संबंधित बड़ी अपडेट है, ओआरओपी 2 से संबंधित बड़ी अपडेट है और अजीत डोभाल के अग्निपथ योजना पर दिए गए बयान पर बड़ी अपडेट है, लेटेस्ट जॉब से बड़ी अपडेट है, यानी कि लेटेस्ट जॉब में भी अपडेट है। तो बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे एजी ब्रांच का एक लेटर है 15 जून 2022 का। 64 ECHS कार्ड जिनकी OTP जनरेट हो चुकी है वो जल्द कलेक्ट करें ECHS कार्ड, नहीं तो उनकी टेम्परेरी स्लिप बंद कर दी जाएगी और उनका इलाज होना असंभव हो जाएगा। तो टेम्परेरी स्लिप का 90 दिन का टाइम है, 90 दिन से पहले आप ECHS कार्ड कलेक्ट कर लें। अगर OTP जनरेट नहीं हुई है तो उनसे बात करके OTP जनरेट करें, जल्द से जल्द ये काम करें, नहीं तो एक्स सर्विसमैन की ये फैसिलिटी कट हो जाएगी और टेम्परेरी स्लिप बंद हो जाएगी। दूसरी अपडेट है, प्रीमेचर रिटायर दो साल के लिए बंद किया गया, सेना ने बताया मैन पावर की कमी। नेक्स्ट ओआरओपी से बड़ी अपडेट आ रही है कि ओआरओपी 2 पेंशन व एरियर देने के लिए PCDA है बिल्कुल तैयार, PCDA को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हरी झंडी का है इंतजार। PCDA ने जारी किया ओआरओपी नई पेंशन टेबल, ओआरओपी 2 रिवीजन में कितनी बढ़ेगी सैलरी तथा कितना मिलेगा एरियर, डिटेल वीडियो 23 तारीख को सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, वो अपलोड हो जाएगा आपको सुबह 8 बजे 23/6/2022। इसके बाद पेंशन रिवीजन पर जल्द सरकार ले सकती है फैसला, अजीत डोभाल का बयान, पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना लागू करके लिया बड़ा राजनीतिक रिस्क। जनरल सतवीर साहब ने कहा रिव्यू पिटीशन पर ओआरओपी का पर कोई नहीं पड़ेगा सर, जल्द ओआरओपी होगी लागू। लेटेस्ट जॉब से संबंधित समाचार, नेवल डॉकयार्ड में मुंबई में जॉब लोकेशन है, 328 पदों पर निकली भर्तियां, 10वीं 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा गवर्नमेंट ने 26,000 पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2500 वैकेंसियां। यूपी लेखपाल मेन एग्जाम फीस जमा करने की डेट बढ़ाई गई, 5 जुलाई तक कर सकेंगे फीस जमा। ये था भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भूतपूर्व सैनिक और पेंशनरों को मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।